तेरे अकाउंट में पता कितने पैसे हैं? 7 लाख। तो हमें वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। दिन कहीं नहीं गए हम, घर आ गए। हमें स्नो पार्क जाना था, हम नहीं जा सके। गंदा पोपट हुआ है हम लोगों का। Back to my channel and I hope you all are doing really really well. आज से 4 दिन बाद साहिल अरोड़ा का बर्थडे है, तो हमने सोचा कि हम उसे कुछ गिफ्ट्स दिलवा देते हैं। लेना तो मुझे खुद था, पर सोचा कि इसकी पसंद का ही दिलवा देते हैं। और आप हमारे यहाँ पे कितनी देर से वेट कर रहे हो? सुबह आया था मैं यहाँ पे, देर हो गया। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी अभी आया है। चले चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। ये व्लॉग आप तब देखोगे जब इसका बर्थडे ऑलरेडी हो चुका होगा ऑब्वियसली, और इससे पहले एक और वीडियो आएगी विच इज़ सरप्राइज फॉर हिम, और मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर सकती। अभी 2 मिनट में मेरा भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे, पर मैं वो रिकॉर्ड नहीं करूंगी। ऊपर तूने 1 घंटा लगाया तैयार होने में, अब नीचे आके बैठ गई है, फिर भी आधा घंटा लगा लिया तैयार होने में। भाई मेरी कोई फीलिंग नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी अगर मैं वियर्ड लग रही हूँ, पर जैसे कि मैंने बताया था हम साहिल की बर्थडे शॉपिंग के लिए आ गए। तो चलो दिखाती हूँ कहाँ से हम इसकी बर्थडे की शॉपिंग करने वाले हैं। यहाँ से मैं इसको बहुत कुछ लेके देने वाली हूँ। चले बेटा, तेरा बर्थडे आने दे। सोम बाजार से 100 के 3 लेके आऊंगा, टॉप जो होता है ना वो। कितना खर्चा कराएगा? बस कर। और मैं इसको बर्थडे की शॉपिंग कराने आई थी, इससे मेरा पूरा अकाउंट खाली करा दिया। आज के बाद मैं तेरे को कभी लेके नहीं आऊंगी। तेरा अकाउंट में पता कितने पैसे हैं? 7 लाख। और ऐसा इसकी मत सुना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेरा पूरा अकाउंट खाली करा दिया, और मैंने तेरे को शूज़ लेके देने थे, वो भी कैंसिल। फाइनली साहिल इस बर्थडे, और हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं एज़ यूजुअल। साहिल भाई साहब लेट है और हम लेट हो चुके हैं, बट देखते हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कुछ स्लॉट्स के टाइमिंग है। अब जो हमें स्लॉट चाहिए था वो हमें मिलता है या नहीं, देखते हैं। और आज हम लोग फॉर अ चेंज मेट्रो से जा रहे हैं, तो और मैं मेट्रो में भी 1 साल बाद जाऊँगी, तो पता नहीं कैसा फील होता है। बट चलो अब पहले साहिल से मिलते, फिर आप सबसे दोबारा मिलती हूँ। 15 मिनट में इस लड़के का वेट कर रही हूँ, और अब तक आया नहीं है। ये रोज़ की कहानी है, रोज़ ये भाई साहब लेट होते हैं। तो बर्थडे विश बाद में लियो, तो लेट है। हैप्पी बर्थडे। तो इस समय इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा ना, क्योंकि मैं आज से 1 साल पहले इस रूट पर रोज़ आया करती थी, और मेरे को बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। मैं पूरा 2 साल 1.5 साल में इस रूट पर रोज़ गई हूँ, और आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई, है ना? तेरे को तो नहीं लग रहा होगा, पर मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ। नहीं ये नहीं करता, पर मैं करती थी जब मैं अपने कॉलेज जाती थी, और आज ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट after more than a year I am traveling to this route. Doors will open on the left, please mind the gap. Agla station Rajiv Chowk hai, darwaze bayi aur khulenge, कृपया सावधानी से। पास हम आए हैं और सबसे पहले इसमें लस्सी भी है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है भाई, और मज़ा आ गया मीठी लस्सी पी के। तो जहाँ भी जाओ हैव लस्सी, सस्ती वाली है, थोड़ी महंगी है रेट कर रहे हैं, बट हैव लस्सी और बहुत अच्छी है। मैंने भी टेस्ट करी है थोड़ी सी और अभी तो आए हैं और इन भाई साहब ने आती लस्सी पी क्योंकि सच में बहुत गर्मी हो रही है। मेट्रो में तो फिर ठीक था, उतरते इतनी गर्मी लग रही है ना बस पूछो मत। क्या कर रहा था ये, क्या कर रहा था ये, उसके अंदर वो किशमिश फंस गई थी तो वो बाहर निकाल रहा था। तो अब हम आए हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि अदिति की हाइट अब मेरे से मैच कर रही है। वो कैसे? चल 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 चलो चलो चलो। गंदे वाला पोपट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्नो पार्क के लिए आए थे तो स्नो पार्क बंद है और सारा गेमिंग एरिया भी बंद है, वरना हम बॉलिंग कर लेते। इतना बुरा लग रहा है और इसका बर्थडे है, मेरा तो फिर भी चल जाता है, इसका बर्थडे है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। गूगल पे पढ़ा था, पता नहीं कहाँ से पढ़ा था, कौन सी साइट से पढ़ा था कि खुला हुआ है। गूगल पे बता रहा है कि ये खुला हुआ है और यहाँ पे जो वॉचमैन है वो भी यही बोल रहा है कि गूगल पे यही है कि खुला हुआ है, बट एक्चुअली में बंद है और वहाँ पे काम चल रहा है, 10 तारीख के बाद खुलेगा। आज फिर इसके साथ एक प्रैंक हो गया। क्या करें, यहाँ पे आईफोन के स्टोर चले, चल काम करते हैं ना, लूडो ले, लूडो खेलते हैं यहाँ पे। ये अपनी शॉपिंग करने घुस गया है, पता नहीं क्या करेगा। क्या हो गया साहिल? यहाँ से ना 2 फ्लोर नीचे थक गया, मतलब वो सारे। यार अब आप लोग बताओ, मेरी गलती थोड़ी है, बंद था तो मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो फोन किया था ना। उसके बाद मैडम कहती है कि हम डिसाइड करते हैं मूवी देखने चलेंगे और पीवीआर बंद है। अब अगर हमें कहीं बॉलिंग करने भी जाना है तो हमें वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाके जनकपुरी जाना पड़ेगा जहाँ बॉलिंग वाली खुली है। गंदा पोपट हुआ है हम लोगों का। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती बता रहा है बार बार कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सब पता करके आई थी, पर मेरे को क्या लगता है यहाँ पे रेनोवेशन चल रही होगी। गर्दन मार रहा है। देख मेरे पास छोटी कैंडल नहीं है तो इस वाली, ये वाली कैंडल बुझा लेगा। ये कैंडल बुझाऊंगा, जलाओ। लाइटर निकाल अपना। मैं आई डोंट स्मोक। बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म होती है, हम कहीं नहीं गए, हम घर आ गए। हमें स्नो पार्क जाना था, हम नहीं जा सके, बट ठीक है, हम सिर्फ ट्रैवलिंग में रह गए। और अब आप बता दो आपका बर्थडे कैसा रहा? अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड। ठीक है, हम एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि हमें स्नो पार्क जाना था, बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी, बट वो बंद था तो हम वहाँ नहीं जा पाए। हमने बॉलिंग ढूंढने की ट्राई करी बट वो भी हमें नहीं मिली, तो फिर घूम फिर के हम गए चिकन खाने। बहुत भूख लग रही थी उस टाइम तक, तो हम वी वर स्टार्विंग सीरियसली। हाँ, और गर्मी इतनी हो रही थी कि मेट्रो से नोएडा ट्रैवल करना इज नॉट इजी, तो हमने कहा चिकन खाते हैं। फिर तो हमने चिकन खाया, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा। 1 सेकेंड, तो मतलब इसका मतलब ये है कि तेरी बर्थडे ट्रीट अभी रहती है। मेरी बर्थडे ट्रीट ले लियो, कोई बात पेंडिंग है। हाँ, मेरी एक बर्थडे ट्रीट पेंडिंग है, वो तेरे बर्थडे पे तेरे को भी दे दूंगा। एक बर्थडे ट्रीट पेंडिंग है, तूने लास्ट बर्थडे पे भी ट्रीट ही दी थी, तूने इस बर्थडे पे भी नहीं दी। आज जो मैं करने जा रहा था, क्या करने जा रहा था, मेरी गलती है, स्नो पार्क बंद था। तो 10 तारीख को खुल रहा है ना, तो फिर दोबारा ले चलूंगा, उसका व्लॉग करेंगे हम दोबारा। थैंक यू सो मच, काफी लोगों ने मेरे को विश किया और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने थैंक यू कर देना, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा, एंजॉयड अलॉट, जोक्स अपार्ट की हमने काफी एंजॉय करा क्योंकि हम घूमे फिरे थोड़ा इधर उधर, एक ट्रैवल, बहुत टाइम बाद बाहर निकले। बट अभी आप लोग बाहर मत निकलना क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो हम भी अब ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, एक्चुअली हम लोग जब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे तो घर से यही फोन आ रहा था कि न्यूज में सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तुम घर आ जाओ, घर आ जाओ। बट हमने कहा अब निकले हुए तो चले जाते। उसके बाद हम सिर्फ घर आके एसी चला के बैठे, हमने और कुछ नहीं किया। और एंड में मैंने इसे किया, केक रिवील किया, सो ही वॉज वेरी हैप्पी। मैंने केक वॉज माई बेस्ट पार्ट, केक जो था मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं फ्रेंड्स का फैन हूँ और आप लोग मेरा फ्रेंड्स देखते हो तो समझ जाओगे। तो स्पेशल थैंक्स फॉर द केक। हर बर्थडे पे एक्चुअली केक के साथ इसको सरप्राइज करती हूँ। लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे मैंने इसको यूट्यूब का केक दिया था और लास्ट बर्थडे पे लॉकडाउन में मैंने जैसे तैसे करके इसके घर केक पहुँचाया था। और उसके बाद इस बर्थडे पे आई थॉट कि क्या स्पेशल करना चाहिए, तो मुझे फ्रेंड्स से अच्छा कुछ नहीं लगा। एंड ही लव द लाइन दैट द वन वेयर साहिल टर्न्स 24। It's like a episode, right? The Friends के एपिसोड ऐसे शुरू होते हैं, the one where he turns 24, the one, तो ये अच्छा लग रहा है, एपिसोड का टाइटल लग रहा है। बट आई लव द केक और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे ही थैंक यू, सब प्यार करते रहो, ब्लेसिंग्स देते रहो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अदिति कपूर के। एंड स्पेशल थैंक्स टू, केक कहाँ से लाई थी, स्पेशल थैंक्स टू किरण बेकर्स, जिनसे मैंने दोनों केक बनवाए थे। एक तो वो प्रैंक वाला केक, बलून वाला केक जो इनके ऊपर कल किया गया था, और आज वाला केक भी उन्होंने ही कस्टमाइज किया है। एंड हाउ वाज द टेस्ट? बलून वाले का नहीं, आज वाले का बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। तो मैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग उनसे कोई भी किसी भी तरीके का केक कस्टमाइज करा सकते हो। एंड बिलीव मी, बहुत अच्छे प्राइजेस पे वो बहुत अच्छा केक दे रहे हैं और टेस्ट वाज वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने भी अभी खाया है और एंड प्रोडक्ट तो आपने देख ही लिया केक कैसा लग रहा था। और बाकी हम ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाए आज क्योंकि हम कुछ किया ही नहीं हमने, तो व्लॉग क्या करें। बट ये व्लॉग पेंडिंग है, इस व्लॉग में मैं साहिल से ये बुलवा के चल रही हूँ कि ये व्लॉग पेंडिंग है। हम लोग एक दिन दोबारा इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने चाहेंगे, चाहे वो फिर हम स्नो पार्क जाएं या बोलिंग जाएं या मे बी गो कार्टिंग जाए, जो मैंने ढूंढा था, कुछ कहीं भी जा सकते हैं। देखते हैं, जल्दी बनाएंगे प्लान। बट अभी थोड़ा सा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएं फिर बनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी आपको आइकन्स मिल जाएंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल्स। और हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाते रहेंगे और आगे के लिए भी हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। तो प्लीज़ यार, देखते रहो वीडियोज़, पसंद करते रहो। और बाकी आपको दोनों के इंस्टाग्राम आईडीज़ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, डू फॉलो अस देयर ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी बर्थडे टू, बाय बाय।